switched off. नहीं, दिन भर गौरी को नहीं देखा. तो दिशा को तो देखे ही होंगे आप कॉलेज जाते? ना. रितेश और शिवानी को तो देखे ही होंगे स्कूल जाते हो? नहीं नहीं, कल शाम को देखे थे गौरी को, सब्जी खरीदते. बात क्या है? नहीं कुछ ऐसा नहीं है, गौरी दीदी और दिशा को फोन कर रहे हैं, दोनों का फोन स्विच ऑफ जा रहा है. अब वहाँ जीजा जी देहरादून में अपनी अलग टेंशन में. घर पे ताला कैसे हो सकता है संजय? रात ही हमारी बात हुई है गौरी से भी और दिशा से भी, और कानपुर से बाहर वो कहीं भी हमें बताए बगैर नहीं जाएंगे. जीजा जी आप टेंशन मत लीजिए, हम कल सुबह फिर आएंगे देखने के लिए, तब तक दीदी और बच्चे सब लौट आएंगे. हाँ ठीक है संजय, ठीक है. हाँ जयदीप भैया, कैसे हैं? कानपुर आए हैं क्या? अरे नहीं नहीं हरीश, तुम हमें ये बताओ कि गौरी और बच्चे वहाँ उन्नाव आए हैं क्या घर पे? नहीं तो, यहाँ तो नहीं आए और ना ही आने की कोई बात हुई है. रुको हम विद्या से पूछते हैं. विद्या. हाँ ला रही हूँ. अरे वो चाय छोड़ो. सुनो, ये गौरी भाभी और बच्चों का यहाँ उन्नाव आने का कोई प्लान था क्या? नहीं, हमें तो कोई फोन नहीं आया. भैया ये विद्या को भी नहीं पता है. तुम्हें काम करो, अम्मा और बाबूजी से पूछो, कहीं उनसे बात हुई. बाबूजी, गौरी भाभी से बात हुई थी क्या? कुछ बोल रही थी आने का? नहीं तो, हमसे तो नहीं हुई बात. अरे तुमसे बात हुई थी? अरे हमारे पास फोन ही कहाँ है जो किसी से बात होगी. ऐसे कैसे बिना बताए कहीं चले गए? गौरी के भाई संजय को बोला था हमने घर जाकर देखने के लिए, बाहर ताला लगा हुआ है. तो फिर कुछ काम आ गया होगा, फिर चले गए होंगे. हाँ लेकिन फोन क्यों स्विच ऑफ? गौरी का हम समझ सकते हैं, लेकिन दिशा का फोन कभी स्विच ऑफ नहीं होता. ठीक है, हम बाद में बात करते हैं. गौरी भाभी और बच्चे कहाँ चले गए होंगे? पता नहीं. हाँ जीजा जी, यहाँ तो अभी भी ताला लगा हुआ है और दोनों के फोन भी स्विच ऑफ आ रहे हैं. संजय तो आप क्या कहते हैं, हम ताला तोड़वा दे क्या? हाँ किसी को बुलवा के तोड़वा दो, हमें अब डर लगने लगा है. हमारी बहन अंदर सर से खून आ रहा. और बच्चे? हमारी बहन. बच्चे हम नहीं पता, बच्चे हमें नहीं पता, हमें हमारी बहन पड़ी है अंदर, मरी, खून आ रहा है सर से. चले राउंड पे. ज
जयदीप क्या हुआ? मर्डर वेपन लगता है। ये हमारी भांजी है सर, दिशा, और अंदर अंदर है ना रितेश और शिवानी। हमने अपने जीजा जी को फोन करके अपनी दीदी के बारे में तो बता दिया, लेकिन बच्चों के बारे में कौन बताएगा सर? ताला खोलने वाले को बुलाया था संजय, ताला खोल के वो अंदर आया और किसी भी विंडो पे या कहीं भी फोर्स एंट्री के निशान नहीं है। कातिल घर के सामने वाले दरवाजे से जबरदस्ती घर में नहीं घुसा। विक्टिम गौरी का छोटा भाई संजय बता रहा था कि वो कल भी यहाँ आया था और कल भी ताला लगा। और सर, ये गौरी माथुर का पति जयदीप माथुर, ये कल मॉर्निंग से ही गौरी को और दिशा को फोन कर रहा था, मोबाइल फोन स्विच्ड ऑफ थे। और सर, यहाँ क्राइम सीन पे किसी भी तरह के मोबाइल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। एक ही घर में चार चार मर्डर हो जाते हैं, लेकिन कॉलोनी में ना किसी ने कुछ देखा ना कुछ सुना, कैसे हो सकता है ऐसा? गौरी के भाई ने भी कल हमसे पूछा था कि उसकी बहन गौरी और बच्चों को कब देखा है। तो कब देखा था? परसों शाम को। मतलब आज 28 अगस्त है, आपने 26 अगस्त को देखा था? हाँ, 26 अगस्त को। कहाँ देखा था? सब्जी लेते हुए। भैया, इसे भी तौल दीजिए और भिंडी भी दे दीजिए। अकेली थी? जी। चार प्लेट है, पहले खाना खाया गया और फिर चार लाशें बिछाई गई। सर, मेरी आसपास के पड़ोसियों से बात हुई, ना किसी ने कुछ देखा और ना ही सुना। क्या विक्टिम्स के खाने में कुछ मिलाया गया था, मतलब कोई नशीली दवा या जहर? हो सकता है सेक्सुअल असॉल्ट की पॉसिबिलिटी लग रही है सर। लेकिन सोचने वाली बात यह है पाठक कि किसी ने शोर क्यों नहीं मचाया?
जीजा जी, जीजा जी हमने आपको गौरी दीदी के बारे में बताया था, लेकिन यहाँ यहाँ दिशा, रितेश, शिवानी सब सब खत्म हो गया। कानपुर की एक मिडिल क्लास कॉलोनी में एक गृहिणी और उसके तीन बच्चों का कत्ल हुआ और पड़ोस में न किसी ने कुछ सुना और ना ही देखा। ये कैसे हो सकता था? विक्टिम्स चिल्लाए क्यों नहीं, मदद क्यों नहीं मांगी? ये सवाल तहकीकात और इस आतंकित शहर पर बुरी तरह से हावी हो गया था। गौरी माता और बड़ी बेटी दिशा और बेटा रितेश, इनके सर पर हथौड़े से कई बार वार किया गया। हथौड़े पर लगा हुआ खून इन तीनों का है। गौरी माथुर की छोटी बेटी शिवानी, शिवानी का विंड पाइप चुक हुआ है गला दबाने की वजह से। बड़ी बेटी दिशा, कोई सेक्सुअल असॉल्ट डॉक्टर? यस, रेप हुआ। दिशा की कमीज फटी हुई थी, उस वक्त हमें लगा ही था कि सेक्सुअल असॉल्ट हुआ होगा। ये रेप और मास मर्डर लगभग 30 से 36 घंटे पहले हुए। 26 अगस्त की रात। यस, खाना खाने के बाद सबके पेट में अनडाइजेस्टेड फूड मिला है। विक्टिम्स के ब्लड स्ट्रीम में कोई नशीली दवाई या जहर? नो इंस्पेक्टर, बिल्कुल नहीं। फिर इन चारों ने शोर क्यों नहीं मचाया? सर, जयदीप माथुर आज रात तक पहुंच जाएगा। पटक घर में फोर्स एंट्री के निशान नहीं है, ना ही घर के मेन डोर से, ना ही विंडो से। मर्डर्स देर रात हुए, कातिल कोई पहचान वाला हो सकता है या फिर हो सकते हैं। इस जयदीप का एक छोटा भाई है उन्नाव में, बुलाओ उसे, हमें उससे बात करनी होगी। गौरी की फैमिली का है या कोई कानपुर में? एक भाई है सर, संजय, जिससे मिल चुके हैं। माँ बाप तो है नहीं इनके, ये लोग लखनऊ से बिलोंग करते। मकान मालिक से बात हुई? जयदीप का अपना मकान है सर, ये वन विभाग में सीनियर फॉरेस्ट गार्ड है, फिलहाल इसकी पोस्टिंग देहरादून में। एक ही हथौड़े का इस्तेमाल हुआ है तो उसे चलाने वाला भी कोई एक ही रहा, तो फिर एक को मारते वक्त दूसरे लोग चिल्लाए क्यों नहीं? या फिर और लोग भी थे जिन्होंने उन्हें चुप कर रखा था? और दिशा का रेप किया? छत पर एक चारपाई, दिशा की कुछ किताबें, एक मच्छरदानी। दिशा छत पर सोई होगी, कोई छत पर से आया होगा दिशा का रेप करने या चोरी करने या फिर किसी और कारण से। कोई भी चीज़ चोरी नहीं हुई सर। वैसे मानसी ने एक बात नोट की कि गौरी के गले, हाथ और कान कहीं पे भी गहने नहीं थे, तो थोड़ी अजीब बात है। आई एम श्योर पाठक, कातिल कोई जान पहचान वाला ही है। विशाल, गौरी का नंबर मिले? हाँ सर, गौरी के भाई संजय से लिए, कॉल रिकॉर्ड्स की रिक्वेस्टेशन भी डाल दी। ये जो रोज रात को आप हमको फोन करते हैं ना, उसके बाद हम आपको और ज्यादा मिस करने लगते हैं। अरे तो हम भी तो मिस करते हैं तुमको, तभी तो फोन करते हैं। या तो आप यहाँ आ जाइए, नहीं तो हम वहाँ आ धमकेंगे, फिर मत बोलिएगा। हम सच कहते हैं गौरी, हम रोज प्रार्थना करते हैं माता रानी से कि हमारा ट्रांसफर कानपुर करवा दो। हम भी तो करते हैं। अच्छा सुनो, दिशा है आसपास? हमसे बात करते करते बोर हो गए। अरे तुम तो जान हो हमारी, लेकिन तुम्हारी परछाई भी तो अपने हिस्से का टॉक टाइम मांगती है। आप दोनों ने तो हमें फुटबॉल समझ रखा है, कोई हाँ क्यों नहीं कर देता? अच्छा ठीक है ठीक है, हमारी तरफ से हाँ है, लेकिन हर एक घंटे में फोन करना पड़ेगा, हमको भी और माँ को भी। पापा, हम कोई जंग वंग लड़ने तो जा नहीं रहे, कॉलेज की ट्रिप पे जा रहे हैं, और वैसे भी हम अपना ध्यान रख सकते हैं। हम जानते हैं बेटा, लेकिन हमारे लिए तो तुम हमेशा छोटी ही रहोगी है? अच्छा जूनियर पार्टी क्या कर रही है? अरे वो लोग लड़ाई कर रहे हैं स्टिकर को लेकर। तो जरा फोन दो उनको, हम भी थोड़ा लड़ लेते हैं उनसे फोन पे। अरे पापा, उनका क्या है, कभी स्टिकर कभी पेंसिल से, इसलिए लड़ते रहते हैं। ये लो, पापा का फोन आया।
क्या हो गया भाई? पूरा परिवार खत्म हो गया। वो जो मालती नगर में हुआ वो? छब्बीस की रात को 8:30 बजे आखिरी बार बात हुई थी हमारी। हम रोज फोन करते थे उनको। उस रात कोई घर आने वाला था? हम नहीं जानते, गौरी ने या दिशा ने हमको कुछ बताया नहीं। 27 की सुबह तुमने फोन किया था दिशा को? वो कॉलेज से क्लास ट्रिप पर जाने वाली थी, डिटेल्स जाननी थी हमको। उसका फोन स्विच ऑफ था, गौरी का फोन भी स्विच ऑफ था। फिर हमने उसके भाई को फोन किया लखनऊ। जयदीप, ये तुम्हारे घर का है? घर तो गौरी संभालती थी सर, हमें तो 4 महीने में एक बार छुट्टी मिलती थी 10 दिन की, उसी में आ जाते थे मिलने। हम नहीं जानते ये हमारे घर का है या नहीं। लेकिन ताला घर का ही था, उसकी स्पेयर चाबियां मिली हमें घर में। कातिल छत से या दरवाजे से अंदर आया, लेकिन दोनों जगह पर तोड़ फोड़ के कोई निशान नहीं है। उस रात कोई रिश्तेदार या पहचान वाला आने वाला था? हम नहीं जानते। तुम्हें किसी पर शक है? घर से कुछ चुराया नहीं गया है जदी? तुम्हारी पत्नी गहने पहनती थी? सोने की चूड़ियां, सोने की चेन। हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। असली चीजें हमेशा अच्छी लगती है। हाँ, पर असली चीजों का इतना महंगा होना जरूरी है क्या? हद से ज्यादा जरूरी होता है। हर 4 महीने में जब यहाँ आते हैं और तुमसे मिलते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे जैसे अपनी दुल्हन से मिल रहे हैं। कुछ भी। आने वाले 4 सालों में ना आपकी बिटिया रानी दुल्हन बन जाएगी, हम तो बूढ़े हो जाएंगे। 2-4 बाल सफेद होने से कोई बुढ़ापा नहीं आ जाता। और वैसे भी ये कहाँ लिखा है कि बुढ़ापे में रोमांस करना मना है? कोई गुनाह है? तुम्हारे घर की किसी और चीज को हाथ तक नहीं लगाया गया। तुम्हारी पत्नी के गहने शायद सिर्फ इसलिए चुराए गए ताकि वो हमें गुमराह कर सके। ये किसी जान पहचान वाले का काम लगता है जदी। वो जो भी है सर, आप उसे ढूंढ लीजिए, हम उसे जान से मार देंगे। ये कैसी बातें कर रहे हो जयदीप? तुम कानून के रखवाले हो? एक कातिल और सिपाही में फर्क होता है जयदीप। न्याय की सोचो, बदले की नहीं। और न्याय तुम्हें मिलेगा, तुम्हारी फैमिली को न्याय मिलेगा जब कातिल हमारे पंजे में होंगे। तो क्या वो एक से ज्यादा थे? लगता ऐसा ही रहा। हमारी बेटी दिशा, उसके साथ जो भी था या थे, कानून उन्हें छोड़ेगा नहीं जयदीप। उन्हें उनके किए की कड़ी से कड़ी सजा देगा। लेकिन जयदीप, तुम कानून को अपने हाथ में नहीं लो। ओके? सबको खंगालो। गौरी के भाई संजय, जयदीप के भाई हरीश, अपने खबरियों को काम पर लगा दो। हो सकता है हथियार एक राय के, और जो भी इसका मास्टरमाइंड है उसका कोई गहरा मकसद। सर, ये जयदीप माथुर फैमिली से दूर रहता था, और अक्सर ऐसी दूरियां दूसरी नजदीकियां पैदा करती हैं। सर, ये गौरी का शायद कोई अफेयर? सर, 3-3 बच्चों की माँ है ये गौरी। माँ एक औरत भी होती है। सिर्फ माँ बनने से किसी औरत का अकेलापन दूर नहीं हो जाता। गौरी माथुर के फोन रिकॉर्ड्स आए? गौरी के और उसकी बेटी दिशा के फोन रिकॉर्ड्स आज शाम तक आ जाएंगे सर। बेटा मनीष, सुबह से दरवाजा बंद करके बैठे हो। बेटा, हम खाना कब से लगा के रखे हैं, ठंडा हो गया, जल्दी से आके खा लो। क्या हुआ? सुबह से दरवाजा बंद करके बैठा है, कुछ खाया पिया भी नहीं है। मनीष, हम कह रहे दरवाजा तो खोलो बेटा। मनीष बेटा, ये
गौरी ने कुछ कहा था? कोई परेशानी, कोई बात? कभी कुछ नहीं बोला। उस रात कौन आया होगा? ऐसा कैसा? किसी ने कुछ देखा नहीं, किसी ने कुछ सुना नहीं। हेलो जी, हाँ हम हरीश माथुर बोल रहे हैं। जी हाँ, हम गोरी दीदी के इकलौते छोटे भाई हैं, बस अब हम ही हैं। फिलहाल लखनऊ में रहते हैं, सेल्समैन हैं। तुम्हारी दीदी और उसके बच्चों को मार के सबसे ज्यादा फायदा किसको हो सकता है? फायदा? पैसा, जमीन जायदाद, ऐसा फायदा? एक पूरी की पूरी पीढ़ी मिटा दी गई है ना। साहब हमें नहीं पता कोई ऐसा क्यों करेगा। तुम्हें शक है किसी पर? वैसे हरीश माथुर उन्नाव में रहता, कानपुर से ज्यादा दूर नहीं है। हरीश माथुर जीजा जी के छोटे भाई? जयदीप भैया, हम वही उन्नाव में पले बड़े, हमारा सब कुछ वही है। सब कुछ में क्या क्या शामिल है? पुश्तैनी घर है, जमीन है सर काफी सारी, हमारी कॉरपोरेशन में नौकरी है, जमीन पर लोग रखे हुए हैं। ये पुश्तैनी घर, जमीन, सब कुछ सिर्फ तुम्हारा ही है? दोनों का है सर, हमारा, जयदीप भैया का, ऊपर से जयदीप भैया का अपना भी है, कानपुर में घर है। उन्नाव में क्यों नहीं? मतलब ये कि जयदीप उन्नाव से है तो उसका घर उन्नाव में क्यों नहीं, कानपुर में क्यों? सर उनकी वन विभाग में नौकरी है, हर 2-3 साल बाद उनकी पोस्टिंग बदलती है, वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल और कॉलेज में भेजना चाहते, इसलिए जब दिशा 8वीं में थी वो लोग कानपुर सेटल हुए। सिर्फ पढ़ाई की वजह से? सर हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि आप कुछ और ही जानना चाहते, कि आपको हम पर शक तो नहीं हो रहा है? यस, बिल्कुल। सर आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि हम अपनी ही भाभी और बच्चों को इतनी बेदर्दी से मार देंगे? मैंने तो सोच लिया, अब तुम सिर्फ ये बताओ कि तुमने कत्ल किए क्यों? पागल हो गए आप? ऐसा कभी होता है? रोज होता है, एक बार नहीं बल्कि मैंने अपने करियर में कई बार देखा है कि प्रॉपर्टी के लालच में इंसान अपनी भाभी, भतीजे, भतीजियों को तो छोड़ो, खुद की बीवी और बच्चों तक को मरवा देता है। होता होगा सर, पर यह नहीं हुआ है, हमारे बीच प्रॉपर्टी को लेकर कोई मसला नहीं है। एक ही निकाल देना सिरका। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? फोन आपने किया जी, आप बताइए कौन बोल रहे हैं आप? क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूँ। गौरी माथुर को जानते हो? हाँ जी, मतलब जानता था। कैसे? दूध जाता था जी हमारे यहाँ से। ये दूध की डिलीवरी कब से हो रही थी गौरी माथुर के घर? सर वो लगभग 2 साल हो गए जी। हर महीने गौरी माथुर के फोन से तुम्हारे नंबर पर 10 से 12 बार कॉल जाता था? हमारी किराने की दुकान है जी, डेयरी का सामान भी रखते हैं और घर पे भिजवाते हैं, इसलिए फ़ोन किया होगा होम डिलीवरी के लिए। होम डिलीवरी के लिए कॉल्स कस्टमर्स करते हैं, लेकिन तूने भी गौरी माथुर को कॉल्स किया काफ़ी, और आखिरी कॉल तूने 26 अगस्त को किया था रात के 8 बजे, और उसी दिन गौरी माथुर का और उसके बच्चों का कत्ल हो जाता है। वो 26 तारीख थी ना जी, तो हमने पूछने के लिए फ़ोन किया था कि इस महीने का बिल कब देंगी गौरी जी, हमको पेमेंट जल्दी चाहिए था जी। एक लास्ट चांस दे रहा हूँ, सच सच बता दे माजरा क्या है। यही है सर, और कुछ नहीं है। 27 तारीख को हम उसके घर पे भी गए थे। घर पे कोई नहीं था सर, देखा ताला लगा हुआ है। अगर ताला लगा हुआ था तो तू 28 तारीख को क्यों नहीं गया? सर जा नहीं पाए, मतलब कोई खास वजह नहीं थी। वजह थी, और वो वजह ये थी क्योंकि तू जानता था कि वो लोग मर चुके हैं। नहीं सर, हमने पेपर में पढ़ा तब पता चला हमें। तुझे पैसों की इतनी जल्दी थी तो 27 तारीख के बाद वापस गया क्यों नहीं, और 26 के बाद तूने फोन भी नहीं किया? सर बात दिमाग से निकल गई, हमने पेपर में पढ़ा फिर सोचा क्या करें कैसे करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था।
किराने वाले प्रतीक यादव की हिस्ट्री निकालो, इसका पास्ट, इसके फोन रिकॉर्ड्स, एसएमएस, एमएमएस, सब कुछ। हो सकता है फिर हो। सर वैसे गौरी के फोन रिकॉर्ड्स में ऐसा कुछ नजर नहीं आया जिसमें शक किया जा सके। हमें नजर से परे देखना है पाठक। चार चार कत्ल हैं और एक रेप। ऐसे कैसे? कार ठीक से देखा नहीं था, लेकिन जब एटीएम पे नाम देखा तो सब समझ गया कि मामला गड़बड़ है। तीन दिन से नाम अखबार में आ रहा है, जयदीप माथुर, जिसकी पूरी फैमिली साफ की गई। कहीं बैठ के बात करें आराम से। कार्ड दो पहले। राधिका, सोनिया, दिशा ने कुछ बोला था? कुछ भी ऐसा? हमारी क्लास ट्रिप थी ओवरनाइट, लेकिन दिशा के मम्मी पापा अलाउ नहीं कर रहे थे। फिर उसके पापा मान गए थे और मम्मी भी। दिशा का कोई बॉयफ्रेंड था? हाँ। बुला सकती है उसको? मैम वो हमारी कॉलेज से नहीं है। तो फिर? हम ट्वेल्थ की कोचिंग क्लासेस जाया करते थे, वो वहीं उससे मिलने आया करता था। नाम क्या है उसका? मनीष। मनीष? मनीष दिशा को लेके बहुत ज़्यादा पॉजेसिव भी था। बहुत ज़्यादा पॉजेसिव मतलब? वैसे तो सब कुछ ठीक था उन दोनों के बीच, लेकिन दिशा का किसी भी लड़की से बात करना मनीष को पसंद नहीं था। इस मनीष का नंबर मिलेगा? दिशा के फ़ोन रिकॉर्ड्स में किसी शंभुनाथ मिश्रा के नंबर से कई कॉल्स हैं। शंभुनाथ शायद मनीष के फादर का नाम हो, हो सकता है बेटे के लिए उन्होंने नंबर लिया हो। सर जिस तरह से ये दिशा के कॉलेज मेट्स ने बताया, मुझे ये मनीष पॉजेसिव भी नहीं अग्रेसिव भी मालूम पड़ता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम गौरी माथुर के अफेयर को ढूंढ रहे हैं और बात उसकी बेटी दिशा को लेकर है? सर रेप भी दिशा का ही हुआ, हो सकता है रेप के बाद मर्डर भी सिर्फ दिशा का ही होना था। वो तो वहां पे गौरी, रितेश और शिवानी ये तीनों मौजूद थे, इसीलिए वो भी मारे गए बतौर कोलैटरल डैमेज। भैया क्रियाक्रम का वक्त हुआ है। हमसे नहीं होगा हरीश। भैया आपको करना होगा, क्रियाक्रम करना होगा आपको भैया। शंभुनाथ मिश्रा जी घर पे? जी, सिम कार्ड हमारे नाम पे खरीदा था, इस्तेमाल हमारा बेटा मनीष कर रहा है। बुलाइए उसे, उसे हमारे साथ चलना होगा। वो बीमार है, आपके साथ नहीं जा पाएगा। 27 अगस्त से वो अपने कॉलेज भी नहीं गया, 26 तारीख के कांड के बाद से। हमारा बेटा मनीष जो है वो दिशा से प्यार करता था, दो दिन से उसने खाना भी नहीं खाया, जब से पता चला कि फैमिली के साथ दिशा का भी मर्डर हो गया। दिशा का रेप भी हुआ है शंभुनाथ जी। देखिए मनीष अभी छोटा है, दिशा की मौत का उसे बहुत बड़ा सदमा लगा है, आप समझते क्यों नहीं है? और आप उसे क्या बात करना चाहते हैं सर? सर इस कांड से उसका कोई लेना देना नहीं। प्यार करता हूँ मैं तुमसे। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो फिर किसी और से बात मत किया करो, पता है पागल हो जाता हूँ मैं जब तुम्हें किसी के साथ देखता हूँ। उस दिन वो सनी भी जब तुमसे बात कर रहा था, उस दिन जब उस सनी ने तुम्हें हक किया
तब ऐसा लगा वो तुम्हें मुझसे छीन लेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता, कोई हमें तुमसे नहीं छीन सकता। तो प्रॉमिस करो कि आज के बाद तुम कभी ऐसा नहीं करोगे। ठीक है सर, मनीष आपके साथ जाएगा पुलिस स्टेशन, पर हम भी साथ चलेंगे। वो सिर्फ 18 साल का है सर, पता नहीं आप लोग क्या सवाल करेंगे उससे। मनीष, तुम्हारे और दिशा के बीच हुए फोन और SMS के रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास। प्यार करते थे दिशा से? हाँ सर। 26 अगस्त को तुम्हारी दिशा से बात हुई, शाम के 6 बजे, राइट? हथौड़ा तुम्हें दिशा के घर से मिला या फिर अपने साथ लेकर गए थे? अगर हमारे बेटे को किसी ने छुआ भी तो हम ऊपर के लेवल तक जाने में हिचकिचाएंगे नहीं। आपके बेटे ने कुछ गलत किया है क्या? बिल्कुल नहीं, कुछ गलत नहीं किया उसने, बल्कि उसके साथ गलत हुआ। हम आपके बेटे से सिर्फ सवाल कर रहे हैं, हमने ये नहीं कहा कि उसने रेप किया है या फिर मर्डर किया है। अभी तक तो नहीं कह रहे। मनीषा, मैं अच्छी तरह से पता है कि तुम्हें दिशा का किसी लड़के के साथ बात करना पसंद नहीं था। तो इस बार उसने किससे बात की थी कि तुम्हें इतना गुस्सा आया कि तुमने दिशा पर हमला कर दिया, उसकी फैमिली पर हमला कर दिया? नहीं सर, मैंने दिशा पे कोई हमला नहीं किया और ना ही मैंने उसकी फैमिली को मारा। मुझे तो खुद न्यूज़पेपर से पता चला सर, और मैं तो ठीक से बात भी नहीं कर पा रहा था सर। दिशा गर्लफ्रेंड थी मेरी। कुछ नहीं किया तुमने मनीष? नहीं सर, मैं तो बस प्यार किया था दिशा से। तुम दोनों एक दूसरे को सब कुछ बताते थे? हाँ सर। तो फिर दिशा ने तुम्हें यह भी बताया होगा कि 26 अगस्त की रात को उसके घर कौन आने वाला है? नहीं सर, 26 की शाम को हमारी बात सिर्फ उसके होने वाले कॉलेज ट्रिप के बारे में हुई थी और उसने कुछ नहीं बोला था। तो दिशा की कॉलेज ट्रिप को लेकर तुम बहुत डिस्टर्ब है, राइट? सर, मैं भी जा रहा था उसके साथ वो ट्रिप में। हमने और उसकी फ्रेंड्स ने मिलकर वो प्लान बनाया था साथ में एंजॉय करने का। लग तो यही रहा है कि ये पॉजिटिव प्यार था, कहीं ये पॉजिटिवनेस ऑब्सेशन तो नहीं बन गया था? सर, मैं मनीष के पूरे फ्रेंड सर्कल को टैप करता हूँ, पता तो चले उसके ऐसा ऑब्सेसिव बिहेवियर था भी कि नहीं। सर, अगर उसने किया भी होगा तो अकेले इम्पॉसिबल है, जरूर ज्यादा लोग रहे होंगे। छत पर चारपाई, मच्छरदानी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मनीष वहां पर दिशा से मिलने गया, दोनों के बीच अनबन हुई और मनीष ने दिशा का रेप कर दिया। गौरी वहां पर पहुंची और मनीष ने बाकी सबको भी खत्म कर दिया। सर, मनीष ने अगर पहले रेप किया होता तो वो चिल्लाती जरूर, शोर मचाती। शोर तो किसी ने भी नहीं मचाया, वही तो ट्विस्ट है, चारों में से किसी ने भी शोर नहीं मचाया। और चारों को कोई नशीली दवाई तो दी नहीं गई थी कि चारों बेहोश हो गए और मनीष ने चारों को एक एक करके मार डाला। पाठक, मानसी, गौरी का भाई संजय, किराने वाला प्रतीक और जयदीप का भाई हरीश, इन तीनों को मैं बिल्कुल रूल आउट नहीं कर रहा हूं। तीनों के पीछे हाथ धो के पड़ जाओ। Bye.
जितने हो सके उतने हिस्ट्री शीटर्स को खंगाला है मैडम, कोई सुपारी का एंगल तो लग नहीं रहा है। और ये गौरी माथुर का कुछ निकला? नहीं मैडम, कुछ भी सामने नहीं आया है। और ये सुपारी वाला किलिंग नहीं है, हम बोलते हैं आपको ये अंदर का मामला है और अंदर का ही हाथ है। अब लेन देन या तो हुआ नहीं है या कोई और तरीका है। सर, किराने वाला प्रतीक यादव, गौरी का भाई संजय वर्मा, जयदीप का भाई हरीश माथुर और दिशा का बॉयफ्रेंड मनीष मिश्रा, इनमें से किसी के खिलाफ कोई भी सबूत सामने नहीं आ रहा है। 2 हफ्ते हो गए, 4 मर्डर 1 रेप, लेकिन अभी तक हमारे हाथ कोई सुराग नहीं लगा है। अजीब है, और उससे अजीब ये केस है। 4 मर्डर हुए लेकिन चारों विक्टिम में से किसी एक ने भी शोर नहीं मचाया। लगता है ये किसी जान पहचान वाले का काम है। हेलो, जयदीप माथुर बोल रहा हूँ सर, क्या प्रोग्रेस है, कुछ पता चला मेरे परिवार के हथियारों के बारे में? जयदीप, हमें अफसोस है, अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है, लेकिन हम इस केस को टॉप प्रायोरिटी पे हैंडल कर रहे हैं। बहुत जल्दी हम कातिलों को पकड़ लेंगे। कब? जयदीप, जैसे ही पकड़े जाएंगे मैं खुद तुम्हें फोन करूंगा। लेकिन हाँ, उससे पहले तुम कुछ नहीं करोगे। फॉरेंसिक और पोस्टमार्टम से यह नहीं पता चल पा रहा है कि चारों में से कौन पहले मरा और कौन बाद में। उनका कहना है कि चारों में बस 2-4 मिनट का ही फर्क था। सर, रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि दिशा का रेप पहले हुआ है और मर्डर उसके तुरंत बाद। ये शायद एक आदमी होगा या फिर एक गिरोह। बेल बजाकर घर में दाखिल हुए हूँ, इतनी रात को इनके लिए दरवाजा खोला गया, या फिर शायद छत के रास्ते घर के अंदर दाखिल हुए हूँ, क्योंकि घर में फोर्स एंट्री के कोई निशान नहीं है, बाहर दरवाजे पर लॉक भी लगा हुआ था। फोरेंसिक रिपोर्ट के अलावा हम सिर्फ ये जानते हैं कि दिशा का पजेसिव बॉयफ्रेंड मनीष और शायद किराने वाले प्रतीक और गौरी के बीच कुछ हो सकता है। इसके अलावा कोई एंगल सामने नहीं आ रहा है। सर, हमारे सामने नहीं है क्योंकि शायद हम उस दिशा में नहीं सोच रहे हैं। सर, एक और एंगल बनता है। सर, खुद जयदीप माथुर, सर मैं ये कह रही हूँ कि हो सकता है ये टूटना बिखरना, रोना धोना, बदले की धमकी, ये सारा कुछ एक नाटक हो अपने सर पर से शक की सुई हटाने का। उसकी बेटी दिशा का रेप हुआ है मानसी। सर, मेरा ये कहना है कि पॉसिबिलिटी है कि इस आदमी ने सिर्फ गौरी का मर्डर प्लान किया हो और जिसके लिए उसने किराए के हत्यारे या फिर हत्यारों को हायर किया हो, और सर उन्होंने ही गौरी का मर्डर किया हो, और साथ में तीनों बच्चे भी मारे गए कोलैटरली, और सर उसी के साथ ये रेप भी हुआ हो जो कि इन किराए के हत्यारे या फिर हत्यारों ने किया हो, जो कि सर प्लान नहीं था। पर सर, इसकी खबर सुन के ये जयदीप माथुर हिल गया। एंगल भी बनता है। मानसी ठीक कह रही है सर, अब तक हमारे शक की सुई इसलिए हर तरफ घूमती रही क्योंकि हमने उसे जयदीप की तरफ जाने ही नहीं दिया। तो इस सुई को फ्री घूमने दो, टिकने दो जयदीप पर, कच्चा चिट्ठा निकालो इसका। जयदीप, तेरे अंदर क्या चल रहा है शायद मैं समझ ना पाऊं, लेकिन दोस्ती के नाते कह रहा हूं, अंदर ही अंदर घुट मत, जिंदगी में आगे बढ़ने के अलावा कोई चारा नहीं, वक्त हर दर्द की दवा। चले राउंड पे। जो एंगल पुलिस ने टटोला ही नहीं था जयदीप माथुर वाला, क्या ये एंगल पुलिस को इस केस में वो ब्रेक थ्रू दे पाएगा जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी, या फिर ये एंगल भी किसी अंधी गली में जाकर मिल जाएगा? इस केस ने भी पुलिस को कहां कहां नहीं घुमाया, पर आखिरकार वो कातिल तक पहुंच पाई और इस नरसंहार का कारण काफी पेचीदा निकला। और हां, भले ही घूम फिर कर ही सही, लेकिन ये जयदीप माथुर वाला एंगल ही पुलिस को वो सुराग देने वाला था जो इस बात को रोशनी में लाता कि आखिर 26 अगस्त की रात को उस घर में हुआ क्या था। इस केस का मास्टरमाइंड कौन था और यह हत्याकांड क्यों हुआ था, यह हम आपको बताएंगे कल रात CID के एपिसोड के बाद।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.